हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए, और हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग देते रहिए। दिल से शुभकामनाएं दूंगा टीम को, और चूंकि मैं भी मतलब अवधी भाषा पे काम किया है मैंने फिल्मों में, तो अवधी और भोजपुरी बहुत ही कहते हैं ना शैलियों जैसी भाषाएं हैं दोनों ये, तो ये भी एक भाव मेरे मन में इस फिल्म के मुहूर्त में आने के लिए हुआ कि ये भी एक भाषा है जो हमारी अवधी से जुड़ी हुई है। प्लस क्या है कि अखिलेश सिंह जो है वो हमारे संपर्क में है कुछ दिनों से, और मैं काफ़ी प्रभावित हूँ इनसे। अखिलेश जी जो काम वाम करते हैं काफ़ी दिल से शिद्दत से करते हैं, तो इसलिए मैं मुहूर्त में शुभकामनाएं देने आया हूँ कहते हुए, और मुझे अभी मिलना कि लोगों से हो रहा है। राज मिश्री जो निभाता है इस फिल्म के, मेरी इनसे भी बात हुई, तो आज पहला दिन है फिल्म का और बहुत ही अच्छी एक साफ सुथरी शानदार एक फिल्म बनाए, और इससे क्या है भाषा भी प्रमोट होगी और एक अच्छा एंटरटेनमेंट लोगों को मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं सबके लिए। आप किस नज़रिए से देखते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को? देखिए क्या है, जो चेंजेस हर तरफ आए हैं वहाँ भी आए हैं, और वो चेंजेस कहीं बच भी नहीं पा रहे हैं, मतलब इस तरह से हो रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि सब्जेक्ट के लेवल पे या एंटरटेनमेंट के तरीकों पे थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा होने लगा है कि थोड़ी उसकी जो एक अपनी जो वैल्यू थी सिनेमा की, वो थोड़ी थोड़ी कभी ऐसा लगता है हिली हुई है। मतलब मुझे भी लगता है, सबको लगता है, बेसिक वो जो विषयों के लिए भोजपुरी सिनेमा पहले जिसने अपनी जगह बनाई है वो नैहर की चुनरी जैसे विषय थे, मतलब कहते हैं बाद बदलाव में चीज़ें बदली हैं, लेकिन थोड़ा विषय की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए कि कहानियों में मनोरंजन भी हो लेकिन साथ साथ में थोड़ी बातें और हमारे कल्चर की भी होती रहे। म्यूजिक में भी, म्यूजिक को लेकर के ना तेज़ी से पॉपुलर म्यूजिक बनाने के चक्कर में भी काफ़ी रेस सी लगी हुई है कि कोई गाना किसी भी तरह से हिट हो जाता है तो लोग ऐसा कुछ करने लगते हैं, सब तरफ ही हो रहा है। लेकिन नए मेकर्स जो हैं जैसे अखिलेश सिंह हैं और हमारे राज मिश्रा जी हमारे निर्माता है जो इस फिल्म से अपने बैनर की से शुरुआत कर रहे हैं इस फिल्म को, तो मैं कहना चाहूँगा मेकर्स की जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा थोड़ा उन चीज़ों को देखें कि उनका अपना कल्चर क्या है और सिनेमा किस वजह से जाना जाता है, वो वजह थोड़ी सी बना के रखी जाए, ऐसा मेरा कहना है। मतलब क्या आपने कोई भोजपुरी फिल्म रिसेंट में कोई भोजपुरी फिल्म देखी है? देखिए क्या है कि मैं बहुत गहरा जुड़ा रहता हूँ सब चीज़ों से, तो मैं सब तरफ रखता हूँ अपने दिल दिमाग को, क्योंकि आगे लेखक उसकी ज़रूरत होती है, तो मैं थोड़े थोड़े रंग सब देखता रहता हूँ। और काफ़ी सारे एक्टर मेरे मित्र हैं,
बाकी आजकल तो सब कुछ देख ही रहे हैं। आपकी फिल्म आ रही है दबंग 3 सलमान जी के साथ में, फिल्म के बारे में कुछ कहेंगे? देखिए दबंग जो है, अगेन 3 दबंग है तो दबंग जैसी है, और जो सलमान खान से लोग देखना चाहते हैं, जो जिसको देख के उन्हें आनंद आता है, वो पूरा आनंद उन्हें दबंग 3 में मिलेगा, और मैं कहूँगा कि बाकी 2 से ज़्यादा मिलेगा इसमें। तो बाकी वो एक फिल्म है जिसमें मस्ती है, गाने हैं और शानदार एक्शन है, और इसमें प्लस ये है कि एक डायरेक्टर प्रभुदेवा जुड़ गए हैं, जिनका भी एक उनका भी एक अपना इम्पैक्ट फिल्म में बहुत शानदार दिखेगा। तो मुझे लगता है दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज आ रहा है, तोहफे जैसा, और दर्शक इसे कबूलेंगे एक बार और। फिल्म में सही इंट्रोड्यूस की जा रही है, उनके बारे में क्या कहेंगे? कैसी एक्ट्रेस है वो, आपने उनका काम देखा होगा, क्या कहते हैं उनके बारे में? एक लाइन में, बहुत 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 अच्छी। एक लाइन में, बहुत 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 अच्छी, मतलब उन्होंने बहुत ही समझदारी से और बड़े, मतलब ये काम करने के तरीके में ये नहीं रहा कि कोई पहला काम इस तरह का, इतना बड़ा काम वो कर रही हैं। तो चूंकि वो फैमिली बैकग्राउंड उस तरह का है, उस कल्चर में वो बड़ी हुई हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से कैरेक्टर निभाया है अपना। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। जी सर, भोजपुरी इंडस्ट्री में 3 एक्टर काफ़ी पॉपुलर है, खेसारी जी, पवन जी, दिनेश जी। खेसारी जी हाल ही में बिग बॉस में गए हुए हैं, सलमान जी से उन्होंने मुलाकात की, उनसे बात हुई, आपने देखा होगा। आपको लगता है खेसारी जी बिग बॉस जैसे शो में ज़्यादा काफ़ी टाइम तक टिके रहेंगे? नहीं, इस पर तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, और अपना उनको भी नहीं पता होगा कब तक टिके रहेंगे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या वो बड़ा वो शो ना, एक खेल जैसा है, और वो एक उसकी अपनी एक गणित है, तो उसके साथ साथ चला नहीं जा सकता है वहाँ पर, कब कौन क्या कर रहा है जैसा है। और बाकी वहाँ पर क्वालिटी डिस क्वालिटी जिस वजह से आगे पीछे लोग करती हैं, वैसे रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो वहाँ गेस करना मुश्किल है वहाँ पे। क्या लगता है, आपने कुछ गेस किया तो बताओ, आपको क्या लगता है, सर हो सकता है कब तक टिके नहीं? अच्छा अभी बता दो। नहीं अभी तो उनका एक या दो ही दिन हुआ है, अब क्या कह सकते हैं? नहीं मैं कह सकता हूँ कि उनके अंदर ना एक उनकी पर्सनैलिटी में ना खास तरह की प्योरिटी है ना, मिट्टी से जुड़े हैं उनका पूरा। तो मुझे लगता है वो प्योरिटी ना उनकी वर्क कर सकती है उन्हें कहीं स्टैंड करने के लिए, क्योंकि ना प्रभाव अच्छा छोड़ते हैं वो। नहीं प्रभावशाली हैं भी, छोड़ते नहीं हैं। हाँ जी, चलिए, थैंक यू, थैंक यू जी। अब आप निर्माता जिससे बात करें, और आप इनसे धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एक यहाँ सभी मीडिया कर्मी और सभी एकत्रित आर्टिस्टों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कीमती समय निकाल के लोग आए, और ये हमारी बैनर की पहली मूवी है। इस मूवी में सबसे पहली चीज़ हमने ध्यान देखा कि भोजपुरी जिसलिए जानी जाती है, उस चीज़ पे मैंने पूरा फोकस किया कि एक साफ सुथरी छप के लिए, अब अपने संस्कारों के लिए भोजपुरी जानी जाती है, और इसका नाम भी हमने वही दिया है कि जिस नाम से काफ़ी कुछ पता भी चल जाता है, उसका नाम हमने क्या दिया, जुग जुग जिया हो ललनो। इसका नाम ही एक ऐसा है कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिल्म एक बच्चे पर दर्शाई गई है, और इसमें पूरा चीज़ ध्यान दिया गया है कि एक बच्चे पे एक साफ सुथरी छप के, मतलब कैसी भोजपुरी फिल्म बनाई जाए जिससे दर्शक आमे, एक इमोशनल फिल्म है। इसको देखने के बाद इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म देखने के बाद लोग इमोशनल होके ही थिएटर से बाहर जाएंगे। एक पहली फिल्म है आपकी, कितने क्या क्या तैयारियाँ की है आपने पहली फिल्म को लेकर? अपने पहली फिल्म के लिए लेके हमने सारी तैयारियाँ की हैं, और सब अपने ढंग से उस ढंग से कर रहा हूँ कि जिसमें बहुत कुछ नज़र आ जाए, और बहुत कुछ सीक्रेट रहने दो तो ज़्यादा बेटर है। सर आए हुए हैं कीमती समय निकाल कर आपसे आशीर्वाद देने के लिए। सबसे पहले तो मैं दिलीप सर का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आज मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस फिल्म की सफलता ही बहुत कुछ बता देती है कि दिलीप सर जैसे लोग हमारे इस सेट पे आए, तो फिल्म की आदि 50% सफलता तो दिखाई पड़ गई क्योंकि सर आए। और मैं सर का धन्यवाद देता हूँ कि पूरा कीमती समय निकाल के यहाँ पहुँचे हैं। बहुत बढ़िया।
राज प्रेमी सबसे पहले अपने किरदार के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को नमस्कार सभी देखने वालों को सबसे पहले तो और दिवाली खत्म हुई है छठ पूजा खत्म हुई है उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं दिलीप जी आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं मैं इस फिल्म में एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ इस फिल्म से मैं इसीलिए जुड़ा हूँ क्योंकि अखिलेश सिंह इस फिल्म से जुड़े हुए हैं वो इस फिल्म के ईपी हैं और मैं अपनी शुभकामनाएं देने आया हूँ इस फिल्म में क्योंकि मैं अखिलेश सिंह के साथ जुड़ा हुआ हूँ इसीलिए उसकी हर चीज़ों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ जहाँ जहाँ पर वो है तो मैं भी हूँ मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ से जहाँ भी रहे अच्छा करें तो इसीलिए मैं इस सेट पर आया हूँ दिलीप जी के बारे में क्या कहूँ अब देखिए मैं अभी सामने बैठा हूँ और वो सूरज की रोशनी मेरे आ रही है अभी मैं सूरज के लिए क्या कहूँ आप बताइए मतलब एक सूरज सामने चमक रहा है एक बगल में है अभी इनको मैं क्या मेरे शब्द क्योंकि ये खुद इतने बड़े राइटर हैं कि मैं इनके बारे में कुछ शब्द कहूँ वो बहुत छोटे पड़ जाएंगे तो मैं इनके लिए कुछ मैं सूरज से इनकी तुलना कर रहा हूँ उससे बड़ी तुलना हो नहीं सकती आने वाली क्या क्या प्रोजेक्ट्स है क्या फिल्म है मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा टीवी में इन्वॉल्व रहता हूँ अभी भी मेरा एक शो चल रहा है परम अवतार श्री कृष्ण एंड टीवी पे एक और शो आने वाला है उस पर मैं बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रहा हूँ भोजपुरी से जहाँ तक ताल्लुकात है मैंने अभी तक 10-12 फिल्में की हैं भोजपुरी में अभी एक फिल्म कर रहा हूँ मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ या अली बजरंग बली इसकी शूटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ बनारस एक और फिल्म अखिलेश सिंह के साथ ही कर रहा हूँ मैं फरवरी में जो है भोजपुरी ये मेरी इस भोजपुरी इंडस्ट्री से ये ताल्लुकात है मेरा मैं टीवी ज़्यादा करता हूँ और एक प्रोजेक्ट जब करता हूँ तो पूरा साल भर चलता है थैंक यू वेरी मच अच्छा एक बात अभी मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा अभी जो विश्वास जी ने ना हमारे प्रोड्यूसर ने बात की ना हमारे साथ देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने की मैं चाहता हूँ इस बात को आप थोड़ा सा अंडरलाइन करें आप लोग भी कि उनकी पहली फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर राइट तो उन्होंने एक बात की कि हमने टाइटल ही ऐसा रखा है जुग जुग जिया हो ललनवा जो अपने आप में कहता है कि पारिवारिक फिल्म है तो मैं कहूँगा कि यार ये एक अच्छे निर्माता के बड़े अच्छे सिम्टम्स दिखे इनमें ये बात कहते हुए कि एक तो उन्होंने ये मन बनाया कि हम एक फैमिली इंटरटेनर हम एक पारिवारिक फिल्म बनाएं दूसरा उन्होंने टाइटल जो रखा उसका कहानी से सीधा लेना देना है आजकल लोग टाइटल अपना कुछ भी रख लेते हैं तो मैं उनके इस विश्वास की ज़रूर सराहना करूँगा जो उनके अंदर है इस बात को आप थोड़ा अंडरलाइन करें कि उन्होंने शीर्षक पे बात की और शीर्षक को जस्टिफाई किया उन्होंने और वाकई वो टाइटल है ऐसा जो पारिवारिक फिल्म की तरफ आपको ले आता है यार ये मिश्रा जी बड़ा अच्छा थी छोड़ गए ये इसको जरूर लगाना है बहुत शानदार बात इन्होंने कह गए इससे मैं अगेन एक बार और शुभकामनाएं दूंगा कि ये उनका एक साफ सुथरा जो मामला है वो आगे जाके सफलता की तरफ बढ़े धन्यवाद और दिलीप जी आपकी बात को एक्चुअली आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं सर क्योंकि वो जो एक्चुअली ये पहले मतलब इनकी पहली फिल्म है ये एंटर कर रहे हैं और एक्चुअली इन्होंने रिस्क लिया है एक पारिवारिक फिल्म बनाने का ठीक है तो मतलब कि डेफिनेटली दिलीप जी ने तो कह दिया कि एक बहुत नाम से ही जुग जुग जियो ललन वा हमार एक पारिवारिक फिल्म लेकर आ रहे हैं जो कि भोजपुरी में ज़रूरत है तो ये जैसे प्लस क्या वो कहानी क्या बना रहे हैं उनको पता है डेफिनेटली कहानी के हिसाब से टाइटल रखा है उन्होंने शानदार तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं और सारी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं अभी निर्देशक जी आएंगे बेटा मैं तो मेरी शुरुआत हिंदी से हुई लेकिन मैं भोजपुरी में आई भी और मैंने बहुत सारे बच्चों की मतलब शुरुआत हमारी हुई मनोज तिवारी रवि सबकी माँ बनी और माँ क्या होती है वो चाहे लंदन की माँ हो या इंडिया की माँ या किसी गांव की माँ माँ एक बुनियाद होती है माँ ही है जो पता लगता है कि हम क्या हैं तो इस फिल्म में जो इनका टाइटल है ललनवा जुगजू जीवन ललनवा पहला शब्द शायद ये माँ की आत्मा का ही होता है कि मेरा बच्चा जुगजुग जी तो इससे पता चल गया कि हमारी फिल्म क्या है इसकी बुनियाद ही जो इतनी खूबसूरत है इतनी मजबूत है और इतना संस्कारी है कि फिल्म के बारे में और क्या कह सकते हैं निश्चित रूप से अच्छी फिल्म होगी हाँ दिलीप जी से हमारी मुलाकात बहुत दिनों के बाद हुई
हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मैं हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इस फिल्म में उनका आगमन हुआ और उनका आशीर्वाद मिला। टाइटल को लेके बहुत अच्छा सोचता हूँ मैं। कई बार मेरी ये बहस होती है लोगों से कि आप लोग हिंदी की पुरानी फिल्मों के टाइटल क्यों रखते हैं, क्या भोजपुरी टाइटलों की कमी हो गई है, क्या प्रॉब्लम है? लोग घिसे पिटे तौर पर जो हिंदी फिल्में हैं उनके टाइटल ले लेके चले आ रहे हैं। तो ये अपना एक देशी टाइटल पूरा जुग जुग जिया हो ललनवा, मैंने जब पढ़ा और जब इस फिल्म के बारे में बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह के ही टाइटल हमारी फिल्मों के होने चाहिए। और इसकी कथा वस्तु जो है, राकेश त्रिपाठी जी इस फिल्म के राइटर हैं, उनसे जो कुछ मैंने सुना है तो टाइटल पर बिल्कुल सटीक बैठती हुई कहानी है इसकी। बाकी तो बहुत ज़्यादा खुलासा मैं नहीं कर पाऊँगा, राकेश जी बताएंगे बेहतर, लेकिन एक बेटे और बाप के संबंधों पर आधारित पूरी कहानी है। और निर्देशक महोदय जो हैं हमारे, बहुत हिट सीरियल्स बनाए हैं, घर पहुंचा द देवी मैया, मैं देखता था उस समय, मेरा भी महुआ पर कलुआ डी चल रहा था, इनका ये चल रहा था, पुष्पा जी ने काम भी किया है, तो मैं उनका भी फ़ैन हूँ, उनके काम का फ़ैन हूँ, और आज मुझे ये मौका मिला है कि उनके साथ काम करूँगा। बस इस फिल्म के लिए तमाम शुभकामनाएं हैं सभी साथी कलाकारों को और तकनीशियनों को जिनके साथ हम लोग काम करने जा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आपने 15 साल दिया है और मुंबई में आपने 10 साल बिताया है। देखिए, जब मैंने ये डाला था कि मुंबई में 10 साल हो गए, उसका एक छोटा सा कारण ये था कि जो रिटायरमेंट का समय है, 50 साल की उम्र में मैं बॉम्बे आया, जबकि लोग बिस्तर समेट के बहुत लोग चले जाते हैं और आने का सही समय बोलते हैं कि यार 22-23 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में बॉम्बे आना चाहिए, लेकिन मैं 50 साल की उम्र में आया क्योंकि जो पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सेटल करना, वो करने के बाद आया। और 10 साल में सभी मुंबा देवी ने मुझे यहाँ रखा और मैं आप लोगों की दुआ से अच्छा काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि ये लिखना चाहिए कि अभिनय के लिए या काम करने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। आज मुझसे भी सीनियर लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। अमित जी को सबसे अच्छी तरह देखता हूँ मैं, मतलब क्या भाग्य लेके और क्या कर्म लेके वो आदमी पैदा हुआ है। अभी उनके रैम शो का एक वीडियो देख रहा था, क्या ऊर्जा दिखाई देती है, 75 साल की उम्र में वो आदमी क्या काम कर रहा है। तो मैं ये आने वाले लोगों को बताना चाह रहा था जो बहुत जल्दी हिम्मत हार के चले जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा था कि 10 वर्ष बम्बई में मुझे हुए, बस इसका कहने का यही तात्पर्य था। और आगे भी काम करता रहूं, आप लोग ये आशीर्वाद दें, धन्यवाद। सर, एक नई कंसेप्ट के साथ, भोजपुरी टेस्ट के साथ, जिया जिया जुग जुग जिया मोर ललनवा, जो कि बड़ा एकदम आत्मीय, तो एकदम दिल को छू जाने वाला टाइटल पर काम हो रहा है जिसका शूटिंग मुहूर्त किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप सभी मीडिया वालों का स्वागत है। जहाँ तक जुग जुग जिया हो ललनवा की कहानी है, ये हम लोगों ने बहुत दिनों से पूरी टीम बैठ कर इसके ऊपर आत्मचिंतन किया है और हम लोगों को लगा कि हमारे बीच एक ऐसी कहानी आनी चाहिए जहाँ इमोशंस ही इमोशंस भरे हों और एक ऐसा इमोशंस जो भोजपुरी ऑडियंस को लगे कि उनका अपना इमोशंस है, उनकी अपनी कहानी है, उनके बीच की कहानी है। और हमारे राइटर साहब से जब हमारी इस बारे में बात हुई तो उन्होंने भी अपनी तरफ से काफ़ी सहयोग दिया और हम लोगों ने सब ने आत्मचिंतन करने के बाद ये निर्णय लिया इसका टाइटल जुग जुग जिया हो ललनवा रखा जाए, क्योंकि ये उस इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ है और जब फिल्म बनकर सामने आएगी तो आप लोगों को लगेगा कि ये सचमुच बेहतरीन और शानदार एक इमोशनल कहानी बनकर आप लोगों के सामने। तो इसमें कुछ खास क्या होगा, अलग क्या होगा भोजपुरी? ये तो अभी मैं आपको फिल्म बनने के पहले नहीं कह पाऊँगा, नहीं तो जो सस्पेंस है पर्दे के पीछे की वो सामने आ जाएगी पहले। फिल्म बनने के बाद मैं चाहूँगा कि सब लोग इसको देखें और इसके पीछे एक सचमुच बहुत ही अच्छा नयापन है जो आपके दिल को छू जाएगी, इस बात का हम प्रॉमिस करें। जी, इसमें राइटर की बात की जाए तो कितना आपके साथ कंधे से कंधे या आपके विचार के साथ विचार मिला? देखिए, इस फिल्म के जो राइटर हैं राकेश त्रिपाठी जी, इनके साथ हमारा बहुत ही पुराना और लंबा एसोसिएशन है, हम लोगों ने बहुत पहले भी काफ़ी काम किया है, तो हम दोनों एक दूसरे की इमोशंस को समझते हैं। और जब हम लोगों ने तकरीबन एक साल से इस स्क्रिप्ट पर साथ में बैठ कर काम किया है तो ये इंडस्ट्री के जाने माने राइटर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो इन्होंने अपना 100% इस कहानी को दिया, जैसे बाकी कहानी में भी देते हैं, इस कहानी में भी इन्होंने दिया है।
और स्पेशली इन्होंने जो इमोशंस जो हमें चाहिए था उस इमोशंस को जितना हम चाहते थे उससे ज़्यादा ही निखार कर हमारे सामने रखा है और हमारी पूरी कोशिश है इसको बेहतरीन ढंग से पर्दे पर लाया। तो पर्दे की बात हो जाए तो जो पर्दे पे जब आप पर्दे के पीछे और जो पर्दे के सामने जिनको दिखाना चाहते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जब कहानी पर चर्चा होती है तो हमारे दिमाग में कास्टिंग भी उस समय दौड़ रही होती है कि इस फिल्म में अगर ये कहानी है तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा फिट बैठेगा। तो जुग जुग जलन जियो हो ललनवा की जब कहानी हो रही थी तो शुभम जी का नाम सबसे पहले जहन में था और शुभम जी से जब इस कहानी को सुनाया गया तो शुभम जी को बहुत अच्छी लगी। जब नरेशन के दौरान ही इनकी आँखें दो चार बार भींग गई थी तो मुझे लगा कि ये कहानी सुनते ही इस कहानी में घुस चुके हैं, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर किरदार करने के लिए दूसरा आर्टिस्ट नहीं हो पाएगा और इसलिए हमने शुभम जी को कहा। और शुभम जी जैसे मैच्योर आर्टिस्ट एक मंझे हुए कलाकार इसको इस रोल को जीवंत बना पाएंगे इसका पूरा जो है मुझे विश्वास भी था और पर्दे पर वो दिखेगा भी। तो कितना अलग इनको प्रेजेंट करने वाले हैं आप? देखिए जो कहानी है इसमें इनका दो सेट है, दो सेट दोनों सेट आपको देखने को मिलेगा, एक है अल्लर्पण का और एक है जिम्मेदार व्यक्ति का। दोनों ही किरदार को इन्होंने इतने अच्छे ढंग से मतलब अपने अभी तो शुरुआत ही हुई है फिल्म बनने की लेकिन जिस ढंग से हम लोगों ने नरेट किया जिस ढंग से इन्होंने कहानी को अपने आप में घुसाया है मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों किरदार के साथ ये पूरी तरह जस्टिफाई कर पाएंगे और हमारी भी कोशिश रहेगी कि उनको किरदार में ढाल सकें। जैसे आपने बोला कि शुभम जी दो सेट्स में है, इनके मूंछ की बड़ी तारीफ होती है तो इसमें क्या दूसरे मैं इनके फैन को उस क्या कहता उस लगाव से मैं दूर नहीं रखूंगा, एक सेट में उनके फैन को खुशी देते हुए इनकी मूंछ वापस इनके चेहरे पे दिखेगी। इनके साथ जो इनकी प्रेमिका होंगी जो स्क्रीन शेयर करने होंगे क्या करते हैं? सबसे बड़ी बात है कि इस कहानी की जो प्रेमिका है इनके लिए वो एक प्रेम ही प्रेमिका है, एक प्रेमिका के ऊपर ये फिल्म नहीं बेस्ड है लेकिन प्रेम के ऊपर जरूर बेस्ड है। वो प्रेम बच्चे के प्रति है, नायिका के प्रति भी है लेकिन बच्चे के प्रति ज़्यादा है। वो सारे इमोशंस आपको बाद में पता चलेंगे लेकिन हाँ इसमें लव रोमांस भी भरपूर है और इमोशंस तो अपनी जगह है। जब भी कुछ सीन चल रहे थे तो उसके बारे में कुछ खुलासा करना चाहें जो गाने चल रहे थे? आज जो हम जिस गाने का फिल्मांकन कर रहे हैं जो बैकड्रॉप में आप देख रहे होंगे शूटिंग चल रही है तो ये आज हम एक गाने की शुरुआत कर रहे हैं। इस गाने में हम दिखा रहे हैं कि पारिवारिक बंधन कितना इम्पॉर्टेंट होता है, एक परिवार एक दूसरे के साथ समय देकर आत्मीयता के साथ जब बंद कर रहते हैं तो उनके बीच का जो एक समीकरण है वो समाज को कितना पॉजिटिव एक संदेश देता है उस बात की हमारी पूरी कोशिश है गाने के थ्रू हम ये बता पाएं कि पारिवारिक वैल्यू क्या होगी। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात की जाए, उनके बैनर की बात की जाए, उसके बारे में देखिए फिल्म के प्रोड्यूसर राजेश एस मिश्रा जी जो फिल्म पहली बार बना रहे हैं तो उनको भी यही चाहिए था जो हम लोग चाहते थे कि वो चाहते थे कि एक पारिवारिक कहानी सामने आए और हमारे ऊपर और शुभम जी के ऊपर भी उनका काफ़ी फेथ था कि हम लोग सब मिलकर एक टीम की तरह एक अच्छा काम कर सकेंगे और उनका पूरा सहयोग है इस फिल्म को बनाने में। जब उन्होंने जैसा हम लोगों ने कहा वैसा उन्होंने किया है और उम्मीद है कि समय पर ये फिल्म जल्दी से बनकर आप लोगों के सामने आएगी। इसके लिए प्रोड्यूसर जी को हमारी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम जी आप मैं चाहूँगा सबसे पहले राकेश भैया को बोला जाए, राकेश भैया ने किरदार को बहुत अच्छे से संवारा है, उसके बाद मैं हूँ ही। राकेश भैया प्लीज़ जी बताएं बेसिकली क्या है। दुनिया का हर सिनेमा अभी बदलाव के दौर से गुजर रहा है, चीज़ें हर जगह बदल रही है और वो बदलाव बहुत तेज़ी में हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में दिख रहा है। आज दो साल पहले तक अश्लील फिल्में बनाते हैं तो इन लोग मीनिंगलेस फिल्में बनाते हैं, संस्कार ख़त्म हो गए हैं या कल्चर ख़त्म हो गया है, वो सारी चीज़ें भोजपुरी में वापस आ रही है। भोजपुरी अब इस दौर में गुजर रही है कि अब मेकर बड़े सेंसिटिव हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि हमें अपने कल्चर को पकड़ के चलना है। तो आवाज़ आ रहा है उसी इन्हें कट कट कर जैसा कि फिल्म का टाइटल भी है जुग जुग जिया हो ललनवा, जुग जुग जिया हो ललनवा ये एक पारंपरिक गाना है, सोहर है बेसिकली, ये सोहर जो भोजपुरी में गाई जाती है जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को उम्र लंबी हो, बच्चा स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, तरक्की करे, इसके लिए सोहर गाया जाता है एक मांगलिक। तो वो जुग जुग जिया हो ललनवा जो पता नहीं हमारे दादा उनके दादा के ज़माने से चलता रहा, इतना पुराना ट्रेडिशन है हमारा, हम भोजपुरी में उस पुराने मूल्यों को पुराने संस्कारों को वापस इस फिल्म के माध्यम से लेके आ रहे हैं। जुग जुग जिया हो ललनवा नाम ही बताता है कि एक बाप माँ और उसके बच्चे इनके बीच की कहानी है। ये फिल्म बताएगी बेसिकली रिश्तों का मूल्य क्या है और रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बन जाते हैं, रिश्ते सिर्फ ब्लड से ही नहीं होते हैं, कई सारे ऐसे रिश्ते हैं जो दिल से बनते हैं।
और वो शायद रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं, तो मेरी फिल्म इस पर फोकस्ड होगी, इंटरटेनिंग फिल्म होगी, लेकिन अपने कल्चर को लेके ये पूरी तरह से उसको बेस्ड करके ये फिल्म हम दिखाएंगे। राकेश जी बात की जाए, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही एक फिल्म का मुहूर्त भी हुआ था, अनाउंसमेंट हुआ था जस्ट, और वो टाइटल और आपकी फिल्म का टाइटल मिला, दोनों साथ राइटर आप ही हैं, ये संयोग है या अलग है क्या है? नहीं नहीं, उसके मेकर अलग है, उसके प्रोड्यूसर अलग है, अभी तो खुल के बताए क्योंकि कहीं कहीं उस फिल्म का अनाउंस हुआ और आज उसी फिल्म का मुहूर्त आज शूटिंग हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं था, एक पिक्चर का मुहूर्त हुआ था, मैं ही राइटर हूँ, जुग जुग जिया लाल टाइटल था, चिंटू पांडे हीरो थे, प्रदीप भैया प्रोड्यूसर थे, लेकिन चूंकि टाइटल उनके पास नहीं था, टाइटल हमारे जो प्रोड्यूसर है या हमारे जो डायरेक्टर है, टाइटल इनके पास था, और जब सब्जेक्ट ये डिजाइन हुआ तो लगा कि नहीं, इस टाइटल के लिए इससे बेहतर कहानी अभी नहीं हो सकती है, तो ऑलरेडी टाइटल इनके पास तो अभी बनाइए। अब प्रदीप भैया को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि भैया आपका कुछ और टाइटल देखते हैं, आपके लिए कुछ और वर्कआउट करेंगे। नहीं, बस ये है कि मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि एक इस टाइटल से मुहूर्त हो चुका है, तो चूंकि हमारी कहानी की शुरुआत पहले हो चुकी है और हमारा म्यूज़िक बन चुका है उसी बेस पर, और हम लोग शूटिंग पे आगे बढ़ चुके हैं, वो हमारे सीनियर मेकर्स हैं, तो उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी कहानी के हिसाब से कुछ और टाइटल रख लें, और हम लोग चूँकि बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो हम लोगों के लिए पलट कर वापस जा पाना मुश्किल होगा, तो उनके लिए भी शुभकामना है और हम चाहेंगे कि हमारी फिल्म भी अच्छे से बने। भोजपुरी सिनेमा एक परिवार है, परिवार दर्द हर कोई समझता है। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि ये कोई उलझने या जीरा का मुद्दा नहीं है, वो भी एक स्वस्थ मनोरंजक फिल्म बनाए, हम भी एक स्वस्थ मनोरंजक फिल्म बनाए, और चूंकि हम गाने की रिकॉर्डिंग वगैरह काफ़ी कुछ कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ कहीं ना कहीं त्रुटि ये हुई कि उनको भी चेक कर लेना चाहिए था ये टाइटल अवेलेबल है या नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते चूंकि टाइटल हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, हमारी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है, तो फिर भी हम उनको अपनी ओर से शुभकामना देते हैं, वो अच्छी फिल्म बनाए, हम भी अच्छी फिल्म बनाएंगे। प्रदीप भैया की शुभकामना की बात है, उनकी विवाह अभी बहुत अच्छी जा रही है, जो विवाह फुल पारिवारिक फिल्म है, जो भोजपुरी सिनेमा को चाहिए था कि सिनेमा ऐसा नहीं बनता है, पिछले साल संघर्ष आई लोगों के मन में, आगे ऐसी फिल्म भोजपुरी विवाह आई लोग लगा, उस पर क्या कहना? अच्छी बात है, जैसा राकेश जी ने कहा कि एक शुरुआत है, अब नए नए इस दौर में जो है नई फिल्मों का प्रयोग होने लगा है, तो ये एक अच्छी बात है, और हम भी चाहेंगे कि उसी प्रयोग में एक प्रयोग हमारा भी शामिल हो और एक स्वस्थ मनोरंजक और पारिवारिक फिल्म हम भी लेकर आगे सामने आ सकें। शुभम भैया क्या कहें, जो जो सिनेमा का हिस्सा बनकर उसका टाइटल रोल आप निभा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि जिस आपका ये स्क्रिप्ट है और राकेश भैया ने लिखा, राकेश भैया ने मेरे लिए काफ़ी फिल्में लिखी हैं, और कोशिश यही है कि हम लोग एक अच्छी स्वस्थ सिनेमा बनाएं, और जिस सिनेमा के लिए मैं जाना जाता हूँ मैं वैसे सिनेमा करना ही पसंद करता हूँ, वैसे ही सिनेमा कर रहा हूँ, ये वाकई में पारिवारिक सिनेमा है और आप लोगों को बहुत मज़ा आए, रोहन लोग इस सिनेमा के बहुत एंजॉय करब, ज़्यादा समय ना ले, बस इतना कहा कि आप लोग हम लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखिए कि मीडिया का हमारे लिए प्यार बने रहना बहुत ज़रूरी होता है, ये अच्छी सिनेमा बन रही है, भोजपुरी की बहुत ही अच्छी सिनेमा बन रही है, जुग जुग जिया ललनवा, बस मैं इतना ही कहूँगा कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्रोड्यूसर का, मेरे डायरेक्टर का, मेरे राइटर सर का, कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना, और बहुत अच्छे शेड है, बहुत अच्छा काम करने लायक है, मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्क्रिप्ट है ये जुग जुग जिया ललनवा, ये स्क्रिप्ट करने के बाद मुझे एक कलाकार को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कोई भी काम करता है, तो ये स्क्रिप्ट करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुशी हो रही है कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। म्यूज़िक के बारे में गाने कितने हैं? जी सबसे अच्छी बात तो ये है कि देखिए कोयल की आवाज़ आ रही है आप सभी को, और कोयल की आवाज़ साफ कह रही है कि विनय बिहारी जी का म्यूज़िक है, और विनय बिहारी भैया ने बहुत अच्छे म्यूज़िक दिया है, और हमारे भोजपुरी सिनेमा के बहुत बड़े, मतलब क्या कहूँ, निःशब्द हूँ मैं इस, हाँ लेजेंड हैं ये, और इन्होंने 8 गाने इस फिल्म के लिए बनाए हैं, और हर गाना टॉप का गाना है, इसलिए नहीं कि ये हमारी फिल्म में आप सुनेंगे खुद ही, आज नहीं तो कल आपके बीच आएगा ही गाना, और बहुत अच्छा म्यूज़िक बना है, बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे गए हैं, शब्द बहुत अच्छे अच्छे लिखे गए हैं, और फिल्म के मुताबिक लिखे गए हैं, फिल्म के गाने फिल्म को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे गाने लिखे गए ना कि ज़बरदस्ती डाले गए, कोई एक भी आइटम सॉन्ग नहीं है इस फिल्म के अंदर, मैं आपको बता दूँ एकदम साफ सुथरा सिनेमा, पारिवारिक सिनेमा, फुल एन्जॉयमेंट, फुल एंटरटेनमेंट। जी सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने कहा है, हमारी इस फिल्म की हीरोइन है कनक पांडे जी, ठीक है, देव जी इसमें है वन ऑफ द लीड रोल, राकेश भैया हैं, मोना रे जी हैं, इस भोजपुरी सिनेमा के में करीब करीब जितने भी के साहब हैं और अनूप अरोड़ा जी हैं, पुष्पा वर्मा जी हैं, और मतलब मैं कितना कहूँ, मतलब पूरी भोजपुरी टीम की हमारी मैक्सिमम लोग इस सिनेमा में हैं, तो मैं इन सभी का तहल से शुक्रगुजार हूँ कि हम इनके साथ सिनेमा शेयर कर रहे हैं और वो हमारे साथ हैं, मिलकर बहुत अच्छा सिनेमा बनाने की कोशिश है।
फिल्म के निर्माता जो पहली फिल्म है उनके बारे में क्या? जी, मैंने पहले ही कहा कि मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ राजेश मिश्रा जी का, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, USS फिल्म्स प्रोडक्शन। बहुत अच्छा कोशिश है उनकी, और उनकी पहले से ही इच्छा थी कि मैं एक साफ सुथरा सिनेमा बनाऊं, और वही सिनेमा बन रहा। शुक्रिया। हीरो हीरोइन तो नहीं है, हम लोग एक स्टोरी के सेंट्रल कैरेक्टर ज़रूर हैं। हमारा ये प्यार थोड़ी ही देर के लिए है, फिर मेरे ज़िंदगी में उदासी ही उदासी है। इनके बिना मुझे पूरी फिल्म में गुजारनी होगी। थोड़ी देर का ये प्यार था। खलनायक से प्यार करना महंगा पड़ा? नहीं, ये फिल्म में खलनायक नहीं है। खलनायक से प्यार करना इनको अच्छा पड़ा, मैं मर गया तभी तो आगे बढ़ी कहानी। सही बात है, कहानी ही कुछ ऐसी है कि इनके डेथ के बाद मैं फिर बाद मेरी वेज में भी है, और फिर बच्चों को लेकर कैसे आगे परवरिश करती हूँ, बच्चा खो जाता है सब। उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या? डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे घर के ही हैं, डायरेक्टर राकेश सिन्हा जी, जिनके साथ मैंने बहुत सारा काम कर चुकी हूँ, बहुत सारे सीरियल्स उनके साथ कर चुकी हूँ। और प्रोड्यूसर जो हमारे शुभम भाई हैं, वो भी हमारे फैमिलियर हैं। मेरी दुआएं उनके साथ है कि ये फिल्म बहुत अच्छी बने और सुपरहिट हो। मैं क्या कहूँ इस फिल्म के बारे में, बताऊँ अपने कैरेक्टर के बारे में? बताओ क्या सुनना चाहते हो? और मोना जी के साथ गाना करके कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लग रहा है गाना करके, ऐसा लग रहा है कि बाप रे बाप, किसी ने 10 किलो का बोझा डाल दिया मेरे ऊपर। डायलॉग रहता है 10 पेज का स्क्रिप्ट तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन एक गाना कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए लगता है शायद हम लोगों ने कभी गाना पे बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर ध्यान देंगे एक दो गाना के बाद शायद हम भी अच्छा गाना करने लगे, मुझे लगता है ऐसा झिझक निकल जाएगी। और बहुत खूबसूरत गाना है, विनय बिहारी जी का संगीत है, आलोक जी ने गाना गाया है, और इतनी अच्छी अदाकारा हैं, बहुत कमाल की मोना जी एक्ट्रेस हैं, इतने सीरियल्स किए हैं इन्होंने, काफ़ी फिल्में भी की हैं इनका। मैंने एक फिल्म भी देखी थी हाल फिलहाल, इंडियाज मोस्ट वांटेड, हिंदी में बड़ी अच्छी फिल्म थी, राजकुमार गुप्ता जिसके डायरेक्टर थे। तो अच्छा लगता है एक अच्छे कलाकार के साथ काम करना, और ठीक है हमारे स्टेप्स कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन रिएक्शन सही रहे। नहीं बिल्कुल, रिएक्शन बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया इनके साथ गाना करके। और मैंने तो पहली बार इनके साथ मैंने काम की हूँ, अभी बहुत दिनों के बाद मैं भोजपुरी कर भी रही हूँ, क्योंकि हमारे घर की फिल्म है इसलिए मैं कर रही हूँ। और एक रोल बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा, डांस भी बहुत अच्छा किया, और इन्होंने एक्सप्रेशन बहुत अच्छा दिया। तो मैं बोला ना कि हम स्टेप गड़बड़ा जाएगा, एक्सप्रेशन सही रहेगा, तो मैंने देखा है कि गाने में स्टेप्स के साथ साथ एक्सप्रेशन की बहुत ज़रूरत रहती है। क्लोज में स्टेप्स कम नज़र आते हैं, एक्सप्रेशन ज़्यादा ही नज़र आते हैं, तो हमने उस पर ज़्यादा ध्यान रखा था थोड़ा सा। डांस आपने आज ही सीखा है या पहले आप सीख रहे थे? बस सीख तो मैं बचपन से रहा हूँ, बस घर ही में नाचता हूँ, अभी भी नाच रहा हूँ, बीवी नचा रही है मैं नाच रहा हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती है बाहर तो नाच लेता हूँ। और कोशिश ये कभी ध्यान नहीं दिया डांस पे, नहीं तो एक कॉलेज के समय में बहुत अच्छा डांसर हुआ करता था मैं, कहो ना प्यार के गाना था उसमें, तो मैं कितने डांस किए, हर सरस्वती पूजा में स्पेशल डांस के लिए जाता था मैं। लेकिन बीच में जब शुरू हुई स्ट्रगल, तो हमारे एक मिल गए मित्र जो हमें एक्टिंग के लिए बोला कि देखो एक्टिंग करना तो सब छोड़ दो, तो हमने सब छोड़ दिया। तब से तो बॉडी वैसी हो गई, ना हिल पाता ना हिला पाते वाला हिसाब। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इनको हिलाने से ये हिल जाते हैं। अभी जैसे बाल गोपाल की बात हो जाए, अभी आपके रियल लाइफ में भगवान ने बाल दिया, बाल गोपाल को दिया, और यहाँ आज फिल्म में भी यही सीन चल रहा था, तो इसीलिए तो सीख रहा था, तो ही तो उस एक्सप्रेशन आ रहा था, लग रहा है मेरा बचवा है, और सुसु भी कर दिया है फेस पे, मतलब ऐसा शॉट था, पर वो सब देख रहा हूँ रोज आजकल घर में चलता ही रहता था, मैं वो एक्सप्रेशन बड़ा उसी हिसाब से देता हूँ, रियल एक्सप्रेशन मिल गया है तो अच्छा है। और देखिए बच्चा 1 साल का है, बहुत तंग किया हम लोगों को शुरू में, तो बेचारा इतना रो रहा था कि हमारा शॉट ही नहीं हो रहा था, फिर वो सो गया तो हमारा एक शॉट किया। और मैं यही बोलूँगा कि देखिए सिनेमा जो होता है कहीं ना कहीं रियल लाइफ से जुड़ी हुई कहानियाँ होती हैं, रियल लाइफ से ही सारे हम लोग सीख के ही हम रिएक्शन दे रहे हैं, तो घर में बच्चा जो आया है बहुत सही टाइम पे आया, मैं ये रोल कर लूँगा। ये बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, और ख़ास करके इन्होंने जैसे बोला कि हम सब प्रोड्यूसर ही समझ लीजिए, इस फिल्म में एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं सब कलाकार वलाकार, सब कलाकार मिल के, सब लोग दोस्त यार हैं, सब एक परिवार हैं। और राकेश त्रिपाठी जी की कहानी है, राकेश सिन्हा जी डायरेक्टर हैं, और प्रोड्यूसर साहब हैं हमारे, बहुत अच्छे इंसान हैं। और हम एक जैसा कि टाइटल है फिल्म का, जिया हो जुग जुग जिया हो ललनवा, तो टाइटल से आप समझ जाइए कि अगर टाइटल इतना प्यारा है तो कहानी कितनी अच्छी होगी। राकेश त्रिपाठी जी जो कहानी लिखी है, जो जिन्होंने उनको अभी संघर्ष के लिए अवार्ड मिला आप सबको पता है, तो वो ऐसी मार्मिक कहानियों के बादशाह हैं, बहुत प्यारी प्यारी इमोशनल सब्जेक्ट के, मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी पकड़ है इस पर, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है काम करके अभी इस फिल्म में। थैंक यू।
जुग जुग जिया हो ललनवा एक फिल्म पहले भी एक आई थी जुग जुग जिया मोरे लाल, वो भी एक पारिवारिक फिल्म थी, ये भी एक पारिवारिक फिल्म है जुग जुग जिया हो ललनवा। और बस इसमें मैं अखिलेश जी को शुभकामना देता हूँ, हमारे डायरेक्टर साहब हैं राकेश सिन्हा जी और प्रोड्यूसर मिश्रा जी हैं, उनको बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। पारिवारिक फिल्म के नाम पर बात पर याद आता है, अभी एक फिल्म आ रही है अर्धांगिनी, वो भी एक पारिवारिक फिल्म है। आप लोग दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग अर्धांगिनी को देखिए, उसके बाद आ जाएगी ये जुग जुग जिया हो मोरे ललनवा, इस फिल्म को देखिएगा। इसमें मैं जो कर रहा हूँ हीरो का दोस्त है, ऐसे ही आओ सनम जाओ सनम टाइप का रोल है लेकिन पब्लिक को मज़ा बहुत आने वाला है। इसमें ये हैं वन ऑफ द विलेन अजय राठौर साहब, और अजय राठौर साहब मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने हमारे ये बड़े भाई साहब हैं, और हम साथ में खूब घुमा करते थे, अब भी घूमते हैं हमारे साथ। एक ये तो मोहब्बत है आप लोगों में। ब्यूटी क्वीन बैठी हैं माही खान जी, और ये भी हैं इस फिल्म में। तो अगला सवाल आप लोग इनसे पूछ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर फिल्म के बारे में? मैं तो मुबारकबाद दे सकता हूँ और इनको शुभकामनाएं हमारी। किस तरह का कैरेक्टर है आपका? सॉरी, रोल क्या है? रोल क्या है? आदमी शरीफ हूँ लेकिन कुछ विलन टाइप का रोल है। ये जो देव सिंह जी हैं उनके ये बड़े भाई हैं, बड़े भाई का प्ले कर रहा हूँ, दो भाई है विलन, दोनों भाई में। थैंक यू सो मच कि मैं फर्स्ट टाइम भोजपुरी में एक कुछ रोल प्ले कर रहा हूँ। मुझे बहुत मीठी एक भाषा है भोजपुरी लैंग्वेज, काम करना एक इच्छा भी थी लेकिन बट थैंक यू सो मच इस टीम के लिए, शुभकामनाएं मेरी। भोजपुरी आता है सर आपको? नहीं, भोजपुरी आता, भोजपुरी तो हमारी हिंदुस्तान की एक भाषा है, आना कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसको आपको पीना होता है, कि आप उसको उतारेंगे तो वो लैंग्वेज आपके अंदर चली जाती है। तो कितना अलग लग रहा है हिंदी और भोजपुरी? नहीं नहीं, देखिए जी, हमारी हिंदुस्तान की एक मीठी भाषा है, बहुत अच्छी एक लैंग्वेज है, लोगों की कहने की बातें होती हैं लेकिन लैंग्वेज सबसे स्वीट सी एक लैंग्वेज है। तो एक इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, अच्छी मूवियाँ बनी हैं, एक इनकी एक अलग दौर है। शुभकामनाएं है हमारी तो, थैंक यू सो मच टीम ऑल, थैंक यू सो मच। जी मैडम, सबसे पहले आप अपना नाम अपने बारे में बताइए। पहले तो नमस्कार, हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी को, मेरा नाम माही खान है और ये मूवी जुग जुग जियो हो ललनवा जिसकी आज मुहूर्त है, जिसमें सारे लोग आए हुए हैं, और इस मूवी की शूट कल से स्टार्ट होने वाली है। और साथ ही साथ इसके जो डायरेक्टर हैं राकेश जी, प्रोड्यूसर राजेश जी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अखिलेश जी, इन दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। इस मूवी में जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने आर्टिस्ट हैं, उन सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगी। और बहुत ही फैमिलियर फिल्म है, सबसे ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब ये फिल्म थिएटर में लगेगी और हमारे जितने भी ऑडियंस हैं वो देखेंगे तब। और रही बात मेरे किरदार की, तो मैं इसमें बिहार में एक जगह दरभंगा वहाँ की बहू का एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि बहुत ही नटखट और चुलबुली टाइप की होती है। जब वो गांव में आती है तो सारे लोगों का अट्रैक्शन ऑफ द सेंटर रहती है, तो बहुत ही अच्छा रोल है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जितने भी ऑडियंस है, जहां तक मेरी ये वीडियो जा रही है, आप सभी से कि आप लोग ज़रूर देखें इस मूवी को, और इस मूवी में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके नाम के डॉक्टर लिखा जाता है, उसको बता दीजिए डॉक्टर क्यों, आप डॉक्टर हैं या? जी बिल्कुल, मेरा पूरा नाम डॉक्टर माही खान है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल पटना से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, इसलिए मैंने नाम के आगे डॉक्टर लगाया है। तो प्रैक्टिस करना और एक्टिंग करना कैसे मैनेज करता? मैनेज नहीं, मैं लगभग 2 साल पहले तक मैंने प्रैक्टिस किया है, इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट को ठीक भी किया है। उसके बाद ये फैमिलियर इंटरेस्ट था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं खुद बचपन से चाहती थी कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करूं, तो पहले मम्मी पापा का सपना पूरा किया और उसके बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री में अपने सपने को साकार करने आई। के जी हैं सर, हैं साथ में, क्या कहना चाहेंगे? सब लोग बहुत अच्छे हैं, गोस्वामी जी को तो जानती हूँ, बहुत पहले से बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, और अजय सर से आज फर्स्ट टाइम मिली हूँ, नेचर वाइज बहुत अच्छे लगे, और साथ में चूँकि काम करना है इस मूवी में भी,
मोस्ट वेलकम। साथ में इस मूवी में काम करना है तो वाकई बहुत मज़ा आने वाला है सेट पे, बहुत इंटरटेनिंग ये मूवी है, बहुत फैमिली फिल्म है, तो जितने भी हमारी ऑडियंस है उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। के के गोस्वामी जी को पहली बार आपने कहाँ देखा था, कितना से कितना? एक्चुअली के गोस्वामी जी से मैं एक मूवी के सेट पे मिली थी, और इनकी चूँकि मिजाज है ये सबसे हंसते बोलते रहते हैं, किसी से भी छेड़खानी करते हैं, खासकर भाभी लोग जितनी भी होती हैं उनसे ज़्यादा छेड़खानी करते हैं, तो इसलिए ये सेट पे थोड़ा सा इनके तरफ सबका अट्रैक्शन था, सारे लोग इनको देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे, तो मैंने भी नोटिस किया था, वहीं पर इनसे मुलाकात हुई थी मेरी। जो हमारी बोल रही आपका शुक्रिया, थैंक यू, लेकिन माही जी मेरे जैसे शक्ल के किसी और से मिले थे, क्योंकि वो मैं अभी तक वो जहानाबाद सासाराम मैं गया ही नहीं हूँ, तो इन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले भी बोला था, तो मैं चुपचाप करके मैंने रह गया, मैं अगले बाद में बताऊँगा। वो मेरे जैसे दिखने वाले दूसरे थे, लेकिन मैं माही जी से पहली बार यहाँ मिला हूँ, और माही जी के लिए बहुत सारी बहुत विशेष है, और माही जी से रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट इंटरव्यू होगा ना, आपके फोटोग्राफ्स भी है मेरे पास, नेक्स्ट इंटरव्यू होगी तो उसमें उस फोटोग्राफ्स को मैं फ्लैश करूंगी जरूर। श्योर, एक नई खबर कि किसने गलत बोला, माही खान नहीं या के गोस्वामी जी ने। चलिए, वैसे है नेचर वाइज बहुत अच्छे इंसान है, सबसे घुल मिल कर रहते हैं सेट पे, और रहना भी चाहिए, चूँकि सेट पे जितने भी लोग हैं सब एक लाइक अ फैमिली मेम्बर ही होते हैं, और यहाँ पे तो जितने भी लोग हैं सब नेचर वाइज बहुत अच्छे, बहुत मजा आने वाला है साथ में काम करके। फिल्म के प्रोड्यूसर आपकी पहली फिल्म है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, अखिलेश जी के साथ मैंने पहले भी काम किया है, मूवी बबली की बारात है उसमें मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है, उनके साथ ये मेरी दूसरी मूवी है जी। हमारे फैंस जितने भी ऑडियंस हैं सब हमसे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका, और उनसे यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये मूवी जब भी रिलीज़ हो तो आप लोग थिएटर में जा करके ज़रूर देखें, और अपना आशीर्वाद और अपना प्यार हमेशा यहीं बनाए रखें। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।